तो ये है पेंटिंग दोस्तों, और पेंटिंग में देखो आप कि मैंने आउटलाइन दे रखा है, ये देखो ये दिख रहा होगा आउटलाइन। बट दोस्तों अब मैं आउटलाइन वाला फोटो नहीं बनाता हूँ, जो फिनिशिंग फोटो मैं जब भी बनाता हूँ तो आउटलाइन वाला फोटो नहीं बनाता। तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों को ये पेंटिंग कैसा लगा। और दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं एक स्कूल जहाँ पे हमें काम करना है पेंटिंग का। वैसे दोस्तों वॉल पेंटिंग का काम है, कहने का मतलब व्हाइट वॉशिंग वगैरह करना है, तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा मैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग को मार्केटिंग वगैरह करना है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कुछ दिन रहना है, कहने का मतलब वहाँ पे मेरे दोस्त लोग जो भी हैं पेंट वगैरह जो करते हैं वो लोग वहाँ पे रहेंगे, तो उनके लिए सब्जियां और चावल वगैरह सारा कुछ अरेंजमेंट करना है। और मार्केटिंग होने के बाद दोस्तों हम लोग फिर सीधे चले जाएंगे वहाँ जहाँ पे हम लोगों को काम करना है। तो मेरे साथ अभी है सुमित और अजय, तो चलिए फिलहाल मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कौन सा स्कूल में हमें काम करना है। वैसे दोस्तों काफी बड़ा स्कूल है और वहाँ पे बगल में चर्च है, तो चर्च में भी काम करना था बट वहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी है इसीलिए वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, तो स्कूल वाला जो भी काम है वो करेंगे हम लोग। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। कैसन केजी कहला 15। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है और शायद मेला भी लगी हुई है, तो यहाँ पे आवाज सुनाई दे रहा होगा पीछे साइड से, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वापस से। तो चलिए फिलहाल मार्केटिंग वगैरह कर ही लेते हैं, काफी टाइम लग जा रहा है मार्केटिंग करने में, तो अभी हम लोग प्याज वगैरह ले रहे हैं तो ले लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग का काम हो गया है, जो भी हम लोगों को लेना था वो ले लिया है, कहने का मतलब बल्ब वगैरह भी खरीदना था, तार वगैरह भी, तो वो सब हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए सीधे अब स्कूल को चलते हैं जहाँ पे हम लोग को काम करना है, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोगों को काम करना है, और ये है दोस्तों एक चर्च जो पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पे क्रॉस भी दिख रहा होगा, तो उसके बगल में जस्ट बगल में एक ये देखिए ये स्कूल है, तो इसी को दोस्तों हम लोगों को पूरा वो रिन्यू करना है, कहने का मतलब उसे पेंट करके एकदम चकाचक कर देना है। तो इसमें एपेक्स वगैरह लगेगा दोस्तों, काफ़ी कॉस्टली कलर आता है जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से ही, एपेक्स जो होता है वो 350 रुपये लीटर होता है। तो ये है जिसमें हम लोगों को पूरा काम करना है, कहने का मतलब मेरे आदमी लोग सारे काम करेंगे। और ये मिडिल स्कूल है कि 8 क्लास तक का क्लास चलता है, और दोस्तों इसमें टोटल 9-10 रूम होंगे और सारे रूम पे हम लोग पेंट चढ़ाएंगे। आप लोगों को पता होगा इमल्सन क्या है, एपेक्स क्या है, वेदर कोट क्या है, तो ये सब दोस्तों जो वॉल पेंटर हैं वही जानते हैं, और दोस्तों मुझे तो सारा काम मिलते ही रहता है, कहने का मतलब पेंटिंग वगैरह का और पोचड़ा वगैरह का सारा काम मिलता है, तो मैं नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही जाता है, कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए हम लोग करते ही हैं। और यहाँ पे हम लोग जिस रूम में रहने वाले हैं, कहने का मतलब मेरे लड़के लोग जो रहेंगे वो ये वाला रूम है दोस्तों जो कि लास्ट है, क्लास इसका केजी क्लास लिखा हुआ है, क्लास केजी होना चाहिए था बट केजी क्लास लिखा हुआ है, और अंदर तो दोस्तों अंधेरा सा लगेगा। ये देखो यहाँ पर पेंटिंग वगैरह पूरा कुछ बनाया हुआ था और मेरा ही बनाया हुआ है जो कि 5-6 साल पहले मैंने बनाया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा अंदर का मेरा पेंटिंग पहले का बनाया हुआ है, वैसे दोस्तों उसे मिटाना भी नहीं है। और चलिए और एक पेंटिंग मैं दिखा देता हूं जो कि चर्च में मैंने बनाया था, वो भी 6-7 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, कहने का मतलब 8-9 साल हो रहा होगा। तो चलिए आप भी देखिए मेरा पहले का पेंटिंग कैसा है और अभी का कितना इम्प्रूव हुआ है।
तो आपको भी दिखाता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना पहले से मेरी पेंटिंग अभी कैसी है। दूर से देखने पर दोस्तों ये स्कूल ऐसा लगता है, उधर काफ़ी लंबा सा है और उस साइड में यहाँ पे सिस्टर लोग का रेसिडेंस है और फादर लोग इस साइड पे रहते हैं और हमारे लड़के जो हैं यहाँ पे खाना उना बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे चूल्हा वगैरह जला दिए हैं। और ये रहा चर्च जो कि ओल्ड टाइप का है, ऊपर में खपरा लगा हुआ है, छप्पर। और यहाँ पर है फादर लोगों का रेसिडेंस और इसी चर्च में दोस्तों मैंने अंदर भी पेंटिंग बनाया है, बट अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा अंदर वाला, जो कि बाहर में है वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे दोस्तों अभी धुंधला सा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये रही वो पेंटिंग दोस्तों जीसस की, जो कि मैंने 7-8 साल पहले बनाया हुआ था और मैं जिसके थ्रू से यहाँ पे आया था पेंटिंग के लिए, उसका नाम भी नीचे लिखा हुआ होगा, मन हार्ट बसिया, ये देखो। तो ये देखो दोस्तों, पहले लोग पेंटिंग पचौड़ा वगैरह काम लेते थे और अपना नाम डलवाते थे कि हमने करवाया है काम, तो वही कारण है बस। तो ये है पेंटिंग दोस्तों और पेंटिंग में देखो आप कि मैंने आउटलाइन दे रखा है, ये देखो ये दिख रहा होगा आउटलाइन। बट दोस्तों अब मैं आउटलाइन वाला फोटो नहीं बनाता हूँ, जो फिनिशिंग फोटो मैं जब भी बनाता हूँ तो आउटलाइन वाला फोटो नहीं बनाता हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों को ये पेंटिंग कैसा लगा और मेरा पहले का पेंटिंग और आज के पेंटिंग में आप कंपेयर करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं और आपसे सीधे घर पे मिलेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ का काम हम लोगों का कल से स्टार्ट होगा और अभी आज हम लोगों को सेटअप करने में ही टाइम बीत गया, तो चलिए आपको कल से भी दिखाएंगे हम लोग का काम क्या है। और वैसे दोस्तों फादर जो है कुछ कुछ बोल रहे थे पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और ये देख सकते हैं आप पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, उसे मिटा के नया से कुछ लिखना है। कहने का मतलब वो किसी और को बुला के लेके आए थे और लिखवाए थे तो उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो जो भी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करना दोस्तों, वैसे जबरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करते हो तो अगले कोई आर्टिस्ट के पास मेरी वीडियो पहुंचेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा तो वो भी लाइक करेगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि मेरे वीडियो पे लाइक कर दिया करना। ओके गाइज, तो यहाँ से अभी फिलहाल चलते हैं और सुमित के साथ हम लोग जा रहे हैं, उसके साथ है सिटी, उसका डोगी का नाम है सिटी। ठंडा लग रहा है उसे और सुमित खुद अपने जैकेट नहीं पहन के आया है, मैं तो पहन के भी आया हूँ और ऊपर से ग्लव्स भी पहन के आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने कल ही झेल लिया था पूरा ठंडा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज है अगला दिन और हम लोग फिर से आए हैं वही चर्च कोनबीर नवा टोली, जो कि हम लोग का छोटा सा काम बचा हुआ था। फिर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे सीधे बनई, यानी कि कोहड़ा टोली जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पे आज स्टार्ट होगा काम, तो वहाँ पे हम लोग देखने के लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसा लिखता हूँ। हम लोगों ने यहाँ का काम कर लिया है, जो भी लिखना था वो लिखा गया। अब यहाँ से दोस्तों सीधे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों का काम चल रहा है, तो चलिए वहाँ पे उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा तो वहाँ आप लोग को मैं आप जाके दिखाता हूँ। वैसे वहाँ पर भी कुछ कुछ काम है हम लोगों का और साथ में आपको वो भी दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग को आना था और हमारा काम जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये जो क्रॉस है इसे हम लोगों ने प्राइमर कर दिया है, खाली इस पे पेंट चढ़ाना है, उसके बाद बीच में एक सेंटर में एक पेंटिंग बनाऊंगा मैं, जो कि आप लोग को दिखाऊंगा। और वैसे दोस्तों उधर का वाइट वॉशिंग वाला काम तो स्टार्ट हो चुका है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको।
तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटा रहे हैं और इसको मिटाने के बाद यही चीज लिखना है, बट थोड़ा अच्छा ढंग से लिखेंगे। और भी काम है दोस्तों, बट क्रिसमस के बाद होगा, तो अभी क्रिसमस से पहले ये मेन है, तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। और चर्च में कुछ पेंटिंग्स बनाने हैं, तो वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। कहने का मतलब 26 तारीख के बाद डाल क्रॉस में कुछ पेंटिंग बनाऊंगा, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो ग्रिल वगैरह है उसको पेंट करना है, तो वो लोग तो लड़के लोग कर ही लेंगे, मेरा काम सिर्फ पेंटिंग बनाना है और राइटिंग करना। तो फिलहाल अंदर भी मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ कैसा हम लोग का पेंटिंग वगैरह चल रहा है। यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स वगैरह देख रहे होंगे, एक समय योजना निकला हुआ था दोस्तों, स्कूल हर स्कूल में पेंटिंग्स बनाने हैं, ऐसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी वगैरह, और झारखंड का नक्शा, भारत का नक्शा, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका नाम लिखना था, काखा गाघा ABCD सारा कुछ लिखना था। तो उस समय दोस्तों हम लोगों को 3500 से 5000 के अंदर में हम लोग को मिलता था, तो हम लोगों ने हर स्कूल में काम किया था। फिलहाल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मेरा अंदर क्या काम चल रहा है। तो यही काम है दोस्तों जो कि हम लोगों का चल रहा है, और ये काम कंप्लीट होने में हम लोगों को 8 से 10 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप, एक राउंड है पूरा। तो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इस पे राइटिंग वगैरह का काम है और फोटो वगैरह कुछ कुछ बनाना है, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा जब तक ये मेरा काम चलेगा। और दोस्तों घर पे भी मेरा वैसे पेंटिंग वगैरह बनाना होता है, तो मैं आप लोगों को वो भी बना के दिखाऊंगा। फिलहाल सुमित जो है क्रॉस पे पेंट लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए अब इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको फिर से दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का स्केच जो है कंप्लीट हो चुका है, बट इसे दोस्तों अभी कलर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कलर मैं लाना भूल गया। कहने का मतलब सारे कलर नहीं हैं, एक दो कलर मेरे छूट गए हैं, तो जो मेन कलर है दोस्तों वही छूटा हुआ है, और इसे कल कलर करेंगे। और बाहर लिखना है वो भी दोस्तों कल ही लिखेंगे, क्योंकि वो ठीक तरह से मिटा नहीं है, सूखने के बाद और एक बार उसे पेंट वेंट करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपना उसको लिखेंगे। वैसे दोस्तों शाम होने ही वाली है, कहने का मतलब 3 बज रहे हैं, तो फिलहाल अरेंजमेंट करने में ही दोस्तों काफ़ी टाइम लग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये देखिए सुमित जो है पेंट कर रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद जब मैं कलर उलर चढ़ा दूंगा उसके बाद ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, तो कल आपको ये पेंटिंग पूरा देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं फादर से मिलता हूँ और उन्हें बोल देता हूँ कि कल आपका काम कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, कहने का मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों फादर से मिलना था, मैंने मिल लिया, अब यहाँ से चलते हैं, पहले इनके लिए सब्जी वगैरह ले आते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग घर चलेंगे। दोस्तों हालत ख़राब हो गई हम लोगों की, बाइक ढकेल ऐसा हुआ ना दोस्तों कि हमारा बाइक का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि बाइक में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों 2-3 दिन से मैंने बाइक पे फ्यूल नहीं भराया था, तो शायद मुझे भी लग रहा था कि फ्यूल ख़त्म होगा, बट इतना जल्दी ख़त्म होगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो वैसे मैंने सुमित को जो है पेट्रोल लाने के लिए भेज दिया है आगे, और मैं हल्का हल्का ढकेलता जा रहा हूँ बाइक को। वो आने वाला किसी से लिफ्ट लेके गया है, वापस आएगा किसी से लिफ्ट लेके ही आएगा। शाम भी हो चुकी है, कहने का मतलब सूरज जो है ढल चुकी है।